हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, दुनिया में बहुत से वाकयात ऐसे भी हुए हैं जो अपने पीछे एक सवालिया निशान छोड़ गए हैं। यानी ऐसे वाकयात क्यों हुए और किस वजह से हुए, इनका जवाब ढूंढ पाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की ये कहानी ऐसे ही एक खौफनाक वाकये के बारे में है जिसमें 5 मासूम बच्चे घर से तो निकले थे मगर फिर कभी घर वापस नहीं लौटे। इस वाकये को फ्रॉग बॉयज के नाम से जाना जाता है और ये वाकया साउथ कोरिया के शहर डाइगू का है। दोस्तों, 26 मार्च 1991 के दिन साउथ कोरिया में इलेक्शन की वजह से पूरे मुल्क में पब्लिक हॉलिडे था। डाइगू शहर के ये 5 बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे और आपस में बहुत गहरे दोस्त भी थे। इन बच्चों की उम्र 9 साल से 13 साल के दरमियान थी। इन सब बच्चों ने अपनी छुट्टी के दिन को एडवेंचर में बदलने का एक प्लान बना लिया। ये सब बच्चे अपने अपने वालदैन को बताने के बाद अपने शहर से 3 किलोमीटर दूर माउंट वेरियोंग नाम के एक पहाड़ की सैर करने निकल पड़े। इन सब बच्चों ने सोचा कि जब ये माउंट वेरियोंग पर पहुंचेंगे तो वहां मौजूद पानी के एक छोटे से तालाब से मेंढक पकड़ेंगे और इन मेंढकों को अपने साथ घर ले जाएंगे। मगर ये मासूम बच्चे ये बात नहीं जानते थे कि ये इनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। दिन गुजर गया और रात होने वाली थी मगर ये 5 बच्चे घर लौटकर नहीं आए। दूसरी तरफ इन सब बच्चों के वालदैन परेशान हो रहे थे कि आखिर ये बच्चे घर वापस क्यों नहीं लौटे। इन सब बच्चों के वालदैन ने आपस में राब्ता किया तो पता चला कि इन 5 बच्चों में से एक भी बच्चा अपने घर वापस नहीं लौटा। दोस्तों, इन बच्चों के वालदैन ने पुलिस में अपने गुमशुदा बच्चों की रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिस पर पुलिस फौरन हरकत में आ गई और इन बच्चों की तलाश शुरू कर दी। दिन पर दिन गुजरने के बाद भी इन बच्चों का कुछ अता पता नहीं चल सका। इन 5 बच्चों का घर से अचानक गायब हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी, इसीलिए ये हौलनाक वाकया मीडिया पर पब्लिश होना शुरू हो गया। दोस्तों, ये बात सिर्फ मीडिया की हद तक नहीं रही बल्कि इस वाकये की खबर उस वक्त के साउथ कोरिया के सदर रू ताई वू तक पहुंच गई। इसके बाद इसके हुक्म पर 3 लाख अफराद की एक बहुत बड़ी फौज तैयार की गई। इस सर्च फोर्स ने माउंट वेरियोंग समेत इस शहर के बस स्टॉप, स्कूल्स, कॉलेजेस, गर्ज ये कि इस शहर का कोना कोना छान मारा, लेकिन इन बच्चों का कुछ पता नहीं चल सका। इसी दौरान पुलिस को एक कॉल भी मौसूल हुई जिसमें एक शख्स ने बताया कि ये 5 बच्चे मेरे कब्जे में हैं। इस शख्स का कहना था कि अगर मुझे भारी रकम अदा नहीं की गई तो मैं इन सब बच्चों को जान से मार दूंगा। पुलिस ने जब इस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि किसी ने पुलिस से मजाक किया था। दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन बच्चों की तलाश में माउंट वेरियोंग को 500 दफा बहुत एहतियात से बार बार चेक किया गया, लेकिन पुलिस को इन बच्चों के गायब होने का कोई सुराग नहीं मिल सका। साउथ कोरिया के सदर ने इन गुमशुदा बच्चों के बारे में इतला देने वाले को 42 मिलियन वॉन जितनी बड़ी रकम का इनाम देने का भी ऐलान किया हुआ था। इस केस के बारे में साउथ कोरिया में हर इंसान बात कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये बच्चे कहां गुम हो गए कोई नहीं जानता था। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और इस खौफनाक वाकये को 11 साल गुजर चुके थे, लेकिन 26 सितंबर 2002 को पुलिस को एक चौंका देने वाली खबर मिली। इन गुमशुदा बच्चों के ढांचे इन बच्चों के घर से 2 किलोमीटर दूर जमीन में दफन मिले। पुलिस को 2 लड़कों ने इस बात की खबर दी थी। ये 2 लड़के माउंट वेरियोंग की सैर पर गए हुए थे। वहां तेज बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से जमीन के एक हिस्से की मिट्टी पानी के साथ बह रही थी और इन्हें जमीन में दफन कुछ हड्डियां नजर आईं, जिस पर इन्होंने फौरन पुलिस को इतला दी। पुलिस ने इन 5 बच्चों की डेड बॉडीज को इनके कपड़ों की मदद से पहचान लिया कि ये वही मासूम बच्चे हैं जिनको 11 साल से तलाश किया जा रहा था। दोस्तों, इन बच्चों की डेड बॉडीज को लैब में चेक किया गया ताकि इनके मरने की वजह मालूम की जा सके। कुछ ही हफ्तों के बाद जब इन बच्चों की रिपोर्ट सामने आई तो वो रिपोर्ट्स बहुत हौलनाक थी। इन 5 बच्चों में से 2 के सर पर गोली लगने के निशान थे और बाकी के 3 बच्चों को सर पर गहरी चोटें लगी हुई थीं। इन बच्चों को किसी ने बहुत बेरहमी के साथ मारा था और इसके बाद इन बच्चों को दफना दिया था। दोस्तों, इन बच्चों के मरने का अफसोस
पूरे साउथ कोरिया में मनाया गया, क्योंकि ये साउथ कोरिया की तारीख का सबसे भयानक वाकया समझा जाता है। लेकिन पुलिस कभी भी इन बच्चों के कातिल तक नहीं पहुंच सकी। पुलिस और साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने 15 साल के बाद इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि साउथ कोरिया के कानून के मुताबिक अगर किसी शख्स का कातिल 15 साल तक ना मिल सके तो इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। मगर आज भी इन 5 बच्चों के साथ पेश आए वाकये को फ्रॉग बॉयज के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि ये बच्चे उस पहाड़ पर तालाब में मेंढक पकड़ने के लिए गए हुए थे। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें, ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।